देखिए, हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो अक्सर कहीं झाड़ों के नीचे या कहीं कोनों में छुप के खड़ी होती हैं, और जैसे ही आपने सिग्नल जंप कर दिया वो सडनली आपके सामने आ जाती हैं और आपका चालान बनाना चालू कर देती। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या पुलिस ऐसे कर सकती है, क्या ये तरीका है कानून को कंट्रोल करने का, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस का फर्स्ट काम जो है वो प्रिवेंटिव एक्शन। तो पुलिस का काम यह है कि वो क्राइम को प्रिवेंट करे। अब सारे स्टेट्स में अलग अलग एक्ट है, बॉम्बे पुलिस एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट है, सिक्किम पुलिस एक्ट है, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस एक्ट है, काफी सारे स्टेट के एक्ट्स हैं जहां पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि पुलिस का जो काम है, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो ट्रैफिक को रेगुलेट करें और प्रिवेंट करे क्राइम्स को, ना कि वो जाके झाड़ों के पीछे छुपे और ना कि वो सडनली आके बाहर अपने आप को आपका प्रेजेंस दिखाए और जो चालान बनाए। इसी बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक सुओ मोटो एक्शन लिया था रिसेंटली, कुछ जजमेंट भी पास हुआ है जहां तक मेरे समझ में आ रहा है इसमें। और इसके अलावा अलावा भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने काफी सारे आरटीआईज किए हुए हैं जिसमें क्लियरली जवाब आया है कि पुलिस ये नहीं कर सकती है। तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो काम कर रही है अगर पुलिस, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, पुलिस से भी और सारे सीनियर ऑफिशियल से भी, और जो अपने जितने मिनिस्टर्स हैं जिनके अंदर ये मिनिस्ट्री के अंदर ये सब आता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, उनसे विनती करना चाहूंगा और पब्लिक से भी विनती करना चाहूंगा कि प्लीज अगर इस तरीके से कोई हरकत आप देखें तो उसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके आप बाकायदा कंप्लेन करें, बिकॉज ये चीजें बिल्कुल नाजायज है, नहीं करनी चाहिए। जो बेसिक करप्शन है वो इस जगह पे भी काफी देखा जाता है, तो अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें किसी भी तरीके से तो बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए। और मैं सबसे ये भी विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आप ट्रैफिक को जंप नहीं करें, कानून का उल्लंघन ना करें, और जो लॉ है उसको आप प्लीज बाकायदा फॉलो कीजिए। और पुलिस ऑफिशियल से भी विनती करना चाहूंगा कि इस बारे में जरा सीरियसली इसके बारे में चर्चा करें।